अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत शायरी लेकर आए हैं, जिसे बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में बयान करेंगे, और वो मशहूर शख्सियत श्याम जैसी साहब जी। शुक्रिया। किसी भी तारफ के मोहताज नहीं हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, राना इरफान साहब ने जी मेरा तारफ़ आपको करवा दिया है। तो मैं इतना भी बड़ा शायर नहीं हूँ, लेकिन आप साहब दोस्तों के तामुन से, प्यार से, आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं जी। ये आपके सामने एक अच्छी सी गज़ल है, गज़ल तो नहीं है, ये दर्द दिल की एक आवाज़ है जो आप सब भाइयों के तक के पास पहुँचानी है जी। अरशाद है कि जब तू पहली बार मिला था आँखों को कितना भाया था, जब तू पहली बार मिला था आँखों को कितना भाया था, मैं भी अपनी सोच में गुम था, तू भी कुछ खोया खोया था। तेरी आँखें बोल रही थी लेकिन तू चुपचाप खड़ा था, तेरी आँखें बोल रही थी लेकिन तू चुपचाप खड़ा था, तेरे दिल में भी तूफान थे, तू भी कुछ कहना चाहता था। तेरे दिल में भी तूफान थे, तू भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन इस महफिल ने मेरे होंठों को हिसीब डाला था। जैसे वहाँ हर शख्स हम दोनों को ही देख रहा था, तुझसे मिलकर ना जाने क्यों कर मुझको महसूस हुआ था, कि जैसे मेरा दिल एक मुद्दत से तुझको ही ढूंढ रहा था, जैसे मेरा दिल एक मुद्दत से तुझको ही ढूंढ रहा था। हालांकि तू गैर था लेकिन फिर भी अपना लगता था, तेरी सुंदर सी आंखों ने मुझको मुझसे छीन लिया था। उस महफिल के बाद मैं अक्सर बेकल सा रहता था, इतने मौसम बीत गए लेकिन मैं तुझको ना देख सका था। वो दिन मुझको याद आते हैं जब मैं बेकल सा रहता था, वो दिन मुझको याद आते हैं जब मैं बेकल सा रहता था, दिल एक पागल दिल मेरा ना जाने क्यों करना लगता था। रात गए तक मैं सड़कों पर बेमकसद घूमा करता था, रात गए तक मैं सड़कों पर बेमकसद घूमा करता था, फिर एक दिन मेरे जीवन में एक जहरीला तूफ़ान उठा था, जिसने मेरे एहसासात को रेजा रेजा कर डाला था। जिस दिन मैं बेचैन सा होकर ताजमहल के पास खड़ा था, आखिर को उकता कर जब मैं उससे वापस लौट रहा था, एकदम मैंने तुझको देखा, तो अब तक फूलों जैसा था, लेकिन तेरे साथ कोई था जिससे तू हंस बोल रहा था। देखकर तेरे साथ किसी को, देखकर तेरे साथ किसी को मैं अंदर से टूट गया था, फिर जब तुमने मुझको देखा तो एकदम हैरान हुआ था। देख के मेरी हालत को तुमने ना जाने कह कह कर पूछा था, लेकिन क्या बतलाता तुझको, लेकिन क्या बतलाता तुझको, तू तो मुझको भूल गया था। मैंने उस शब घर में आके बड़ा पैमान किया था, रात के 12 बजने को थे, हर सू कहरा सन्नाटा था, मैंने भी फैजाने वफा की सब रस्मों को तोड़ दिया था, और अपने दिल पर पत्थर रख के उसके शहर को छोड़ दिया था।